बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन एंड हैविंग अ गुड टाइम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज विद मोहसिन मुनीर। स्टूडेंट्स, अ वेरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ इज़ देयर टू शेयर विद यू पीपल दैट HEC हैज़ डिसाइडेड टू रिस्टोर the 2-year degree program of BA, BSc, MA, MSc to its previous original position। तो ये एक बहुत अहम ख़बर है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मैं आपके साथ उसकी डिटेल जो है वो शेयर करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है काइंडली कि अगर आपने मेरा चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट, ये आज की इम्पोर्टेंट एक ख़बर है, अपडेट है कि जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे एक कन्फ्यूजन चल रही थी। HEC की तरफ से डिसीजंस वगैरह आ रहे थे कि 2 साला डिग्री प्रोग्राम जो है, यानी कि BA, BSc ग्रेजुएशन लेवल पे, इसी तरह MA, MSc जो है मास्टर्स लेवल पे, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और उसको रिप्लेस किया जाएगा BS 4-year सिस्टम के साथ। तो इस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना था ये सुन के। कुछ यूनिवर्सिटियाँ भी जो हैं सिचुएशन को टैकल करने के मतलब कुछ कन्फ्यूजन का शिकार थी कि ये 4-year डिग्री प्रोग्राम जो है इसको हर जगह पे अप्लाई कर दिया जाए। तो इसमें उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर काफ़ी प्रॉब्लम थी या कन्फ्यूजन थी जो कि प्राइवेट कैंडिडेट्स थे। एज़ यू नो के प्राइवेट कैंडिडेट्स की तादाद एक बहुत मेजर किस्म की तादाद है जो कि हर साल 2 साला डिग्री प्रोग्राम जो है BA, BSc, BCom, इसी तरह MA, MSc वगैरह जो है इसमें से अपीयर होते हैं। इसी तरह वो प्राइवेट इम्तिहान में अपीयर होते हैं या वो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स वगैरह जो कि कुछ मसरूफ़ होते हैं किसी जॉब वगैरह में, जॉब होल्डर होते हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ी परेशानी का एक बायस थी बात। एनी हो, 2018 में HEC की तरफ से ये डिसीजन आता है कि 2 साला डिग्री प्रोग्राम जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा तहफ़ुज़ात रखती थीं क्योंकि उनके लिए ये प्राइवेट कैंडिडेट्स जो रजिस्टर्ड होते हैं वो एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा ज़रिया है। एनी हो, 2018 में ये ऐलान किया गया। फिर 2019 में यूनिवर्सिटीज़ ने ये कहा कि इस चीज़ को जो है एकदम से फौरन ख़त्म करना जो है ये मुश्किल काम है, इसको मरहलावार जो है स्टेप बाय स्टेप ख़त्म किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह पर जो है 4 साला डिग्री प्रोग्राम जो है BS सिस्टम उसको शुरू किया जाए। तो उस वक़्त इसको कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रखने का फ़ैसला किया गया और ये एक काम किया गया कि यही सेम चीज़ जो है BA, BSc वगैरह इसको कंटिन्यू रखा जाए लेकिन इसका जो डिग्री टाइटल है उसको चेंज करके ADP कर दिया जाए, यानी कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। तो बेसिकली ये होगा वही जिस तरह से बाकी चल रहे थे पहले ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम मतलब इसमें आर्ट्स आ जाती थी और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम साइंस और कॉमर्स, इस तरह की 3 कैटेगरीज इसमें कर दी गई थी। बाकी सिलेबस वगैरह वो सारा क्राइटेरिया उसी तरह का था। HEC ने उस वक़्त ये भी कहा कि 2022 में ये मास्टर्स लेवल की जो डिग्री है MA, MSc 2 साला इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से कि कैसे सारे सिचुएशन को फौरन टैकल किया जाए इसके बंद होने के मतलब
या जो स्टूडेंट्स अभी बीए बीएससी वगैरह करेंगे, आगे अगर एमए एमएससी प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो वो किस चीज़ की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन थी हर लेवल पर। तो स्टूडेंट्स भी इस हवाले से काफ़ी परेशान थे। जैसे कि एक जो स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद है वो ये प्राइवेट प्रोग्राम में जाती है, जॉब होल्डर जो होते हैं वो भी इस चीज़ को कंफर्टेबल फील करते हुए इस तरफ स्विच करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अहम तरीन और अच्छी खबर ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं और HEC की तरफ से जो है इनकी आपस में जो मीटिंग हुई है उसमें इस बात पर जो है एक यूनानिमसली डिसीजन किया गया है, इत्तफाक राय किया गया है कि BA, BSc, BCom और इसी तरह MA, MSc प्रोग्राम जो 2 ईयर प्रोग्राम पहले से चल रहा था जिस तरह, उसको उसकी प्रीवियस ओरिजिनल पोजीशन पर वैसे का वैसे ही बहाल कर दिया जाए। तो इट मींस के जो BA, BSc को ADP का नाम दिया गया है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का, अब नेक्स्ट वो ADP यूज़ नहीं होगा, उसकी जगह पे उसी तरह एज इट प्रीवियसली जैसे BA, BSc वगैरह यूज़ किया जाता था वो होगा। और सोर्सेज के मुताबिक, HEC के ज़राए के मुताबिक जो है उन्होंने MA, MSc प्रोग्राम जो कि 2022 में ख़त्म करने का कहा था उसको भी मौखर करने का फ़ैसला किया है। तो इस तरह ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, एक अहम न्यूज़ है जो कि आप उन तमाम लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि अक्सर इस चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जो 2 साल डिग्री है वो तो ख़त्म होने जा रही है, क्या MA के दाखिले होंगे, क्या MA का इम्तहान होगा 2 साल, क्या जो मतलब जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं जो आगे ग्रेजुएशन की तरफ आ रहे होते हैं उनके पास ये बहुत एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि क्या BA ख़त्म नहीं होगा, क्या BA 2 साल प्रोग्राम मज़ीद होगा, क्या इस साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो उनकी कन्फ्यूजन जो है ना अब ये ख़त्म हो गई है और जो इसका नोटिफिकेशन है ये भी बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा HEC की तरफ से। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ थी स्टूडेंट्स जो कि आपके साथ शेयर की और बहुत अच्छी खबर है, ताकि वो तालिबे इल्म जो कि दूर दराज के रिमोट एरियाज़ में रहने वाले हैं या वो प्रॉपर रेगुलर क्लासेस अटेंड करने दूर दराज नहीं जा सकते या कोई जॉब वगैरह करते हैं वो इस तरह अपनी तालीम का सासा सिलसिला जो है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये एक अहम तरीन खबर थी जो आपके साथ शेयर की है। प्लीज़ keep watching, sharing and liking my videos so that you may have more informative stuff from me. To jisne channel subscribe nahi kiya, kindly English Studies with Mohsin Munir isko subscribe kare aur channel ke sath connected rahe taki aapko mazid useful stuff milta rahe English related, aur iske alawa is tarah ki latest jo updates hain, information hain. Phir milenge next video ke sath. Allah Hafiz.